राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। आइए तो मथुरा की लीला हुई, अब चलते हैं द्वारिका जहाँ भगवान का विवाह होना है। कौन कौन भगवान का विवाह देखना चाहते हैं? कौन कौन बनाती है? भाभी जी आप लड़की की तरफ से हैं लड़के की तरफ से? ये आप किसकी तरफ से हो? लड़कों वालों की तरफ से? दोनों की तरफ से। अरे वाह, बोलो राधे राधे। चलो हम किशोरी जी की तरफ से हैं, आप कन्हैया की तरफ से हैं। बोलो राधे राधे। भगवान ने अपने प्यारे भक्त विश्वकर्मा जी से द्वारकापुरी का निर्माण कराया और मथुरा वासियों को इस धरती का भार उतार करके मथुरा वासियों को काल यवन आदि को संहार करके जरासंध आदि का वध करके पछाड़ करके द्वारकापुरी में भेज दिया। और द्वारका का राजा किसको बना दिया? मथुरापुरी का भी राजा उग्रसेन को बनाया। और द्वारकापुरी के राजा तो कहीं नहीं बने, बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा गोकुल में रहे तो भगवान कहलाए गोकुल के राजा की, मथुरा में आए तो मथुराधीश की। माधव और द्वारका में आए तो द्वारकाधीश की। तो भगवान द्वारकाधीश बने हैं। इनकी नगरी के पास ही कुंदनपुर है और कुंदनपुर में राजा भीष्मक की बेटी है रुक्मणी। जरा दो मिनट इधर देखो, बातें न करो। कुंदनपुर में कौन थे? राजा भीष्मक। तो इनके अनेक बेटा हैं और सबसे छोटी है राजकुमारी बेटी रुक्मणी जी। ये महालक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी श्री जी का, लक्ष्मी का अवतार है। और भगवान की कथा अपने दरबार में आए दिन सुनती हैं। जो भी कोई आता है वो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा बचपन से सुनती आ रही है। तो श्री कृष्ण इनके मन में बस गए कि मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं कृष्ण से करूंगी, जिन्होंने गोवर्धन को उठाया, जिन्होंने मथुरा में कंस को मारा, जिन्होंने अनेक लीलाएं की, अभी द्वारकाधीश बन के बैठे हैं। लेकिन इनके जो भाई थे रुक्मी, उन्होंने इनका विवाह कहाँ करने की सोची? अपने दोस्त के साथ। कभी कभी ऐसा होता है दो दोस्त होते हैं, तो मान लिया कोई दोस्त ऊंचा है अमीर है और वही जात बिरादरी का एक है, तो वो दोस्त अपनी बहन का विवाह अपने दोस्त के साथ कर देता है, आज भी होता है। तो रुक्मी ने रुक्मणी जी का विवाह तय कर दिया, बोले परसों सगाई लेकर के आप आ जाना। लेकिन जब ये बात रुक्मणी जी को पता लगी तो वो तो उनका भोजन भी छूट गया, पानी भी छूट गया, रोने लगे रात रात भर। और अपनी भाभी के पास गई जो भाइयों की पत्नियां थी, बोले भाभी देखो हम उस राक्षस के साथ शादी नहीं करेंगे। अरे जैसे किसी कन्या को जिसका विवाह होने वाला है और उसे ये पता लग जाए जिसके साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है वो शराब पीता है, वो जुआ खेलता है, वो अय्याशी करता है, तो क्या कोई शरीफ लड़की उसके साथ शादी करेगी? बोलो भाई। तो रुक्मणी जी को पता लग गया कि मेरा विवाह मेरे भाई ने अपनी दोस्ती के नाते दोस्त से कर दिया, तय कर दिया है, परसों सगाई हो रही है। तो रोकर के भाभियों से कहा, भाभी अच्छी थी, भाभी तो समझती थी सब बात। बोले देखो तुम्हारे मन में कोई है क्या? बोले हाँ, मेरे मन में तो जो नित्यपति यहाँ राज्यसभा में जिनका गुणगान गाया जाता है वे वृंदावन के कृष्ण कन्हैया, वे मथुराधीश, वे अभी द्वारका में हैं, उन कृष्ण को ही मैं अपना पति मान चुकी हूँ। कोई भाभी मेरी रक्षा करो, अगर मैं शिशुपाल कह गई तो मैं जाऊँगी नहीं, जहर खा लूँगी, मर जाऊँगा या समुद्र में डूब जाऊँगा। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, देखो जो दुर्गा माता का मंदिर है उसकी जो पुजारी है बड़े दयालु हैं, उनको तुम अपने मन का भाव एक चिट्ठी के रूप में दे दो और वे द्वारका तक द्वारकाधीश तक को चिट्ठी पहुँचा देंगे। मैया ने रो रो करके एक चिट्ठी बनाई और वो चिट्ठी पंडित जी को कहा, जाइए अभी रात्रि में ही रथ आरूढ़ होकर के और हमारा ये संदेश द्वारकाधीश जी तक पहुँचाइएगा। तो द्वारकाधीश जी तक पहुँचाया ब्राह्मण देवता ने। तो रुक्मणी जी की चिट्ठी है
इसको आज की भाषा में क्या कहेंगे, प्रेम पत्र। अरे भाव से भरा हुआ है। तो रुक्मणी जी ने जो लिखा भाव, उस भाव में आप लोग चिट्ठी सुनना चाहोगे क्या? कौन कौन रुक्मणी जी की चिट्ठी सुनना चाहते हैं? एक दो तीन। वैसे किसी की चिट्ठी पढ़नी नहीं चाहिए, और प्रेम वाले नहीं, कोई बात नहीं। जगत माता का प्रेम है और जगत पिता के साथ में है, तो हमारे माता पिता ही तो लगते हैं। देखते हैं माता जी क्या कहती हैं। बोलो राधे राधे, बल्कि आप भी बोलो। हमें तो मंत्र बुलवाने में, श्लोक बुलवाने में आनंद आता है। हाथ जोड़िए, क्योंकि ये आपने बोल लिया तो आपके मुख से भी वही स्तुति हो जाएगी जो रुक्मणी जी कर रही है। बोलिए, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृशिम आत्मा अखिलात् लाभम त्वयम् अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। ये पहला श्लोक है जिसमें कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। हे भुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, मैंने बचपन से आपकी जो महिमा सुनी है, तब से आप मेरे हृदय में बस गए हो। और हे प्यारे, मैं तो आपको अपना पति मान चुका। जैसे मीरा ने क्या किया था, मीरा ने श्री कृष्ण को पति मान लिया था। अच्छा एक बात बताएं, क्या कोई भगवान को जान पाया है आज तक? भगवान को जानना कठिन है, लेकिन मान कोई भी सकता है। श्री कृष्ण को मान लो बस, ये मेरे हैं। कोई उन्हें बेटा के रूप में मानता है, कोई उन्हें भाई के रूप में मानता है, कोई गुरु के रूप में, तो कोई पति के रूप में। आपका जैसा भाव, कन्हैया सब बनने के लिए तैयार है। तो रुक्मणी जी ने कहा, हे नाथ, परसों सगाई के लिए, विवाह आदि के लिए एक राक्षस शिशुपाल मुझे लेने आ रहा है, लेकिन मैं तो आपकी हो गई हूँ। तन मन धन सब आपको निछावर किया है। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि विवाह से पहले दुर्गा पूजन होता है, बस वही आप मुझे मिल जाना अपना रथ लेकर के, तो मैं आपके रथ में बैठ लूँगी। तो देखिएगा, भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया, बोले पंडित जी जल्दी चलो। यानी कि जितना प्रेम आप करोगे ना, भगवान भी उतनी प्रेम से आएंगे आपके पास। ब्रज में तो रासलीला में गाते ना, जो तू आवे एक पग मैं धाऊं पग साथ, जो तू करो काट तो मैं लोहे की लाठ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कमी भगवान में नहीं है, कमी हम सब में है। हम लोग ही देर करते हैं, भगवान के यहाँ देर नहीं है। बोलो राधे। तो भगवान ने तुरंत ही रुक्मणी जी के लिए चल दिए। और इधर रुक्मणी जी 16 सिंगार सजे हुए, मन में विश्वास, हाँ कन्हैया पे विश्वास रखना पड़ेगा। जो आप जप कर रहे हो भगवान सुन रहे हैं, जो भोग लगा रहे हो भगवान खा रहे हैं, जो परिक्रमा कर रहे हो भगवान देख रहे हैं। ऐसा विश्वास है कि नहीं है कि भगवान हमारी सुन रहे हैं, भागवत भी सुन रहे हैं? तो ये सब मन में विश्वास हो कन्हैया। तो मन में विश्वास लेकर के पिताजी ने कहा, बेटी जाओ अपनी सखियों के साथ दुर्गा पूजन करके आ जाओ। तो रुक्मणी जी पूजन करने जा रही हैं। आप लोग ये रामायण की चौपाइयाँ हैं मेरे साथ सुनिएगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी बुद्धि गाथा, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन सबस विहारिणी, पति देवता सुतीय मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकै कही, सहस शारदा शेष देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होत सुखारे, मोर मनोरथ जानो उन्हीं के, बसौ सदा पुर पुर सभी के। तो मैया से प्रार्थना की और मनुजाल ही राचो मिल ही सो सहस सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानुषी सनी निजान रावर। माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मन में जो पति बसा है ना, वही बनूंगी।
किसी किसी को उसके मन का माना हुआ पति मिलता है, भाग्यशाली होता है, परम भाग्यशाली होता है। और देखो भाई, पति हो या पत्नी हो, दोनों कृष्ण की भक्त और भक्ता होने चाहिए। अगर पत्नी भक्त मिल जाए तो पति भी भक्त बन जाता है, और पत्नी अगर भक्त मिल जाए और पति भक्ति नहीं करते तो वो भी भक्त बन जाता है, एक ना एक दिन जरूर। तो पति पत्नी दोनों ही भक्त हों तब तो शिव पार्वती जैसे हैं, जैसे शिव जी भी राम नाम जपते हैं, पार्वती भी राम नाम जपती हैं, तो उनकी संतान गणेश कार्तिक भी नाम जपते हैं। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करेगी, हे माँ मेरे स्वामी आ जाए, मेरे कन्हैया आ जाए। तुरंत ही वहाँ रथ ने दस्तक दिया और कहा, हे देवी। पंडित जी को आते देखा और देखा कहाँ है स्वामी, बोले बाहर खड़े हैं बेटी, जाओ जल्दी से जाओ। और कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी जी ने अपना हाथ दे दिया और कन्हैया के साथ द्वारका में चली गई। बोलो कृष्ण विवाह की बधाई हो, बोलो बधाई हो। अगला वैसे खाली पीली बधाई दोगे क्या?